जय श्री राम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या राम मंदिर से किसको किसको न्योता मिला है, यानी निमंत्रण मिला है। देखिए, मुझे तो वहाँ का निमंत्रण आया था कार्ड, और हालांकि मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन वहीं का है, मतलब अयोध्या से आया है। और कार्ड और पीला चावल यानी अक्षत मुझे मिला, और मैंने अच्छे से रखा, पूजा पाठ भी किया। और अक्षत है जो चावल है वो बहुत कम है, और इतना है, इतना और था। तो मैंने 22 जनवरी के दिन मैंने खीर बनाया, और उस खीर में ये वाला चावल डाल के खीर बनाई थी, भगवान को भोग लगाई। फिर बाकी मैं घर में सबको प्रसाद बना के बांट दिया, सबने खा लिया। तो फ्रेंड, आप लोग ज़रूर बताइए कि हाँ, राम मंदिर हम अयोध्या नहीं जा पाए हैं, लेकिन ज़रूर जाएंगे। इस समय नहीं जा पाए, इस समय हमारा जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि इस समय बच्चों का स्कूल कॉलेज चल रहा है, तो हमारा जाना नामुमकिन है, पर जाएंगे ज़रूर। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये है 22 जनवरी की वीडियो, ये एरोली की है। हम लोग एरोली गए थे, रात को गए थे, रात को 10:30 11 बजे रात को गए थे घूमने के लिए। घर पे पूजा पाठ करने के बाद हम लोग सोचे कि आज हमको कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए, दर्शन करना ही चाहिए। तो हम गए थे एरोली, और एरोली में आप देख सकते हो पूरी मुंबई किस तरह से सजाई हुई है, पूरी एरोली, कोपर खिरनी वासी, जहाँ गए थे हम लोग, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सब एरिया इसी तरह से सजी हुई थी। और यहाँ पे देखिए भक्तों की इतनी भीड़, इतनी लाइन लगी हुई है, और उसी में इतनी ट्रैफिक। फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब राम के भक्त हमारे मुंबई में इतने हैं, तो सोचो यूपी बिहार में कितने होंगे, हर जिला, हर देश, हर प्रदेश, हर विदेश में कितने होंगे, जब मुंबई में इतनी पब्लिक है। तो मैं, अभय, आयुष और उनके पापा गए थे, आदित्य नहीं गए थे। आदित्य बोले मैं थक गया हूँ, और 22 जनवरी को ही आदित्य और आयुष, राम और लक्ष्मण बने थे। तो सच में उनको मतलब कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करना था क्लास में, तो थोड़ा थक गए थे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो बस हम तीनों चारों गए थे। तो यहाँ पे देखिए इतनी सजावट, इतनी धूम धाम, पटाखे वगैरह सब छूट रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे देखिए लिखा है, हार्ट में लिखा आई लव अयोध्या। तो देखिए यहाँ पब्लिक की भीड़, यहाँ पे सामने ही दिख रहे हैं आपको बजरंग बली हनुमान, और यहाँ पे बिठाए गए थे राम लक्ष्मण और सीता मैया, हनुमान जी सब थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत, हमने तो बहुत अच्छे से घूमा, देखा और इन्जॉय किया। थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाए, थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक की। घूमने उमने के बाद फिर हम लोग घर पे आए। घर पे जब हम आए तो 12 बज गया था, 12, करीब 12:30 बज गया था। लेकिन यार उस दिन इतनी खुशी मिली हमको, इतनी खुशी मिली कि पूछो मत। 22 जनवरी हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी, जब तक जिएंगे तब तक। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी कि पूछो मत। मेला भी लगा था साथ में, यहाँ मुंबई में जतरा बोला जाता है, मराठी में जतरा, और हमारे में तो मेला ही कहा जाता है। मेला भी लगा हुआ था। और इस तरह से देखिए पब्लिक, सजावट, बलून्स, गुब्बारे वगैरह जो भी है मतलब, और इतनी पब्लिक है कि पूछो मत। सिर्फ राम के भक्त, हनुमान के भक्त। यहाँ पे देखिए बजरंग बली जय श्री राम, जय श्री राम यहाँ पे बोल रहे हैं, उनके मुख से बस एक ही आवाज़ निकलती थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज प्लीज़ भगवान के नाम पे एक लाइक, एक कमेंट। चैनल पे न्यू है तो भगवान के नाम पे, श्री राम के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मैंने घूम लिया है और बहुत सारे फोटो वगैरह वीडियो क्लिक कर लिया है, वीडियो भी शूट कर लिया। अब मैं घर जा रही हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपनी भी शक्ल दिखा देते हैं आप सभी को।
तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आजकल ना बैठे बैठे बहुत मोटी हो गई हूँ, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं ना, तो तकलीफ़ होता है। तो चलना दौड़ना भागना एक्सरसाइज योगा वगैरह सब कुछ मेरा छूट गया है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फ्रेंड।